हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5 और इस समय दुल्हन सोई थी दोपहर के टाइम पे। हम लोग भी रेस्ट कर रहे थे क्योंकि पूरी रात जगे थे सब लोग और घर की सारी रस्में हो चुकी हैं और दुल्हन सो के उठी थी। तो मैंने कहा कि चेहरा धो लो और उसके बाद से थोड़ा सा मेकअप वगैरह कर लो क्योंकि अब बहुत सारे लोग आएंगे। जाने वाले जो अलग अलग शहर में जाने वाले हैं वो आएंगे और दुल्हन को मुंह दिखाई देंगे और चेहरा देखेंगे दुल्हन का। तो एक ये रस्म होती है तो इसलिए मैंने कहा। और बाकी सब लोग इधर उधर थे तो मैंने सोचा कि मैं ही बता दूं, नहीं तो लोग फिर आना शुरू करते हैं, फिर एक एक करके आते ही रहते हैं। तो ये चीज़ मैंने सोचा कि कह दें, तो इसलिए पूछ रही थी कि मैं चेहरा धो लूं दीदी या फिर वाइप्स कर लूं। मैंने कहा वाइप्स ही कर लो क्योंकि बाहर सब लोग बैठे थे, तो मैंने कहा वाइप्स कर लूँ। और फिर उसने कहा कि वाइप्स करके फिर थोड़ा सिंदूर वगैरह और मेकअप थोड़ा सा लाइट जो भी समझ में आए कर लूँ, तो वही वो कर रही है। और मैंने भी यहाँ पे दुल्हन को नेक दिया है और क्या नेक दिया है इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा कि मैंने दुल्हन को मुंह दिखाई में क्या दिया है। तो यही खास वीडियो है आज का और सब लोग जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी। तो ब्लॉग पूरा देखते रहिए ताकि पता चले कि मैंने क्या दुल्हन को मुँह दिखाई दिया और क्या क्या हंसी मजाक हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई। तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। और यहाँ पर दुल्हन मेकअप कर रही है, वही मैं बैठी थी और रिकॉर्ड कर रही थी और बातें हंसी मजाक वगैरह हम लोग कर रहे थे। और पिछले वीडियोस आपको कैसे लगे शादी वाले, आप लोगों ने बताया नहीं, ज़रूर बताइए ताकि मुझे पता चले कि आप सबको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। तो यही ये बोल रही थी कि दीदी संगीत और मेहंदी और हल्दी में आप क्यों नहीं आई थी, तो वही चीज़ें बता रही थी कि क्यों नहीं आई थी। तो और भी चीज़ें बातें हो रही थी क्योंकि इसका जो मेहंदी और हल्दी का जो इसका ज्वेलरी था बहुत ही सुंदर था। तो मैं वो वीडियो बाद में डालूंगी, आप सब देख लीजिएगा, बहुत ही सुंदर था। वही बोल रही थी कहाँ से लिया है, वो ये बता रही थी। हमारी छोटी सी भाभी जी जो मेरी बहन भी लगती है और मेरी भाभी भी बन गई, यानी इनकी वाइफ है, ये मेरे मामा के लड़के हैं और ये इनकी वाइफ है। इधर देखो, हाय तो बोलो। हम जा रही हूँ, बैठी थी इनके पास ही, मैं जा रही हूँ, ठीक है, बैठो आराम कर। और दूसरे रूम का नज़ारा ये है कि मासी वगैरह सब बैठी थी और मम्मी भी उधर बैठी थी, तो यही सब यहाँ पे बातें बातें हो रही हैं। तो इस रूम का नज़ारा ऐसा देखने को मिला। और यहाँ पे सौर्य नाराज हो गया है तो वही सो गया था, तो मैं उसे उठा रही थी क्योंकि पता नहीं किस बात से कोई किसी बच्चे से झगड़ा हो गया था इसका, तो इसलिए नाराज यहाँ पे लेट गया था। और एक एक करके सब लोग जा रहे हैं। भाभी आज बना रही है, ये है मामा की बड़ी बहू और आप बताइए अपना परिचय। ये भी है मामा की, मैं भी मामा की बहू लग रही है। ये मामा की बहू है, ये दूसरे वाले मामा की बहू है। हम दोनों में हम जेठानी है, ये देवरानी भी। अच्छा देवरानी है आप, अच्छा और यहाँ पे दुल्हन को देखने के लिए सब लोग आए हैं, सब घर ही के हैं, रिलेटिव से ही हैं, तो वही देख के जाने वाले हैं इसलिए सब लोग आए हैं दुल्हन देखने, मुँह दिखाई देने।
तो वही सबको जाने वाले हैं, इसलिए सबको चाय दिया जा रहा है ताकि वो लोग समय से स्टेशन पहुंच जाएं। तो वही सारी चीज़ें हो रही हैं और एक एक करके मैं सबको दिखा रही हूँ कौन कैसे जा रहा है, कहाँ जा रहा है। तो एक एक करके सब लोग जा रहे हैं, माहौल हड़बड़ हड़बड़ सब हो रहा है, सब एक करके सब लोग जा रहे हैं और देखते हैं कल तो कुछ लोग जाएंगे, बारात तो मतलब कल जाएगी, दुल्हन है अभी। और सब मामी में बैठ के भी बात कर रही हैं, जो दूसरे शहर से आए हैं सब वो सब आज निकल रहे हैं क्योंकि शाम की सबकी ट्रेन है, किसी की रात की है, किसी की शाम की है, वही सब जा रहे हैं। ये देखो इधर पापा भी हैं, ये देखो झां कर लो, ये देखो राजा के काओ, ये देखो ये यम्मी है, यम्मी पता है इसका नाम यम्मी है, यम्मी हम लोग यम्मी बोलते हैं क्योंकि बहुत मीठू मीठू है ना किकू, मीठू मीठू है यम्मी। हेलो, हम नहीं जा रहे, हम यहीं पे रहेंगे। हाँ हाँ उधर वाले मामी जा रही हैं और भी इनकी बहू है ये जा रही हैं, तो और भी कई लोग हैं, मौसी वासी दोपहर में निकल चुकी हैं, तो ये शाम के टाइम का है तो अभी मैं बाहर तक निकलती हूँ। और ये रेड दुपट्टे में मामा की ये वाली मामी की बहू है तो ये भी जा रही है साथ में, और ये ब्लू साड़ी में ये भी जा रही है मामी, तो ये सब लोग इतने लोग आज जा रहे हैं, येलो सूट वाली भी जा रही हैं, तो ये सब लोग आज निकल रहे हैं। और यहाँ पे मम्मी जा रही है छोड़ने, मैं तो नहीं गई थी क्योंकि गोद में बच्चा ली थी इसलिए नहीं गई। और मैं यहाँ पे दुल्हन देखने के लिए सब लोग चले गए तो मैं आ गई, मैंने कहा अभी दे नहीं तो सुबह फिर हड़बड़ दबड़ हो जाएगा, मामी चली जाएंगी। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे पैसे ही दिए थे क्योंकि मैं पहले से कुछ लेके नहीं आ पाई थी इसलिए, तो इसलिए मैंने पैसे ही दिए थे। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी बज रहा है रात के 10 और हम लोग खाना खा के आ चुके हैं। देखो मम्मी है, बाबू है, तो ये था आज का ब्लॉग, कैसा लगा जरूर बताइएगा, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करके जाइए, चैनल पे अगर नए हो चैनल पे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वीडियो प्रेस करें ताकि आने वाले मेरे नए वीडियो सबको सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।